हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक। एज यू नो, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द सिलेबस, ओके? एंड फ्रॉम दैट वन सिलेबस, नाउ आई एम स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज़ द हीट, ओके? कुछ ऐसा मैंने आपको पिछले कल भी बोला था, कुछ पोर्शन आपका बेटा आपका इसका SST से रिलेटेड है और मैक्सिमम पोर्शन आपका इस चैप्टर का साइंस से रिलेटेड है, ओके? तीसरी बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि इसका बेटा आपका असाइनमेंट बेस्ड रहेगा, वर्कशीट बेस्ड रहेगा, एग्जाम में इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन चैप्टर। यस, हीट। हीट आपकी भाषा में गर्म, ठीक है? हीट को हिंदी में कहा जाता है ऊष्मा। हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? हीट को ऊष्मा, ठीक है? सो वी आर ऑल फेमिलियर विद आर सेंसेशन ऑफ हॉट और कोल्ड। हमें पता है बेटा कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। ऑन द हॉट समर डे वी फाइंड द अनकंफर्टेबल टू वॉक बेयर फुट ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। गर्मियों के दिनों में ना बेटा, मार्बल, जो घर के अंदर मार्बल जहाँ पे बहुत अच्छी धूप खिली हुई गिर रही है, ठीक है, गर्मी के दिनों में हम लोग नंगे पाँव के ऊपर नहीं चल सकते। बेयर फुट्स मतलब नंगे पाँव चलना, हम लोग नहीं चल पाएंगे। गर्मियों के टाइम की क्या बात है बेटा, अगर सर्दियों के टाइम की हम बात करें तो मार्बल्स या टाइल्स बेटा इतनी ठंडी होती है, हम लोग नंगे पाँव सर्दियों में उनके ऊपर नहीं चल सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना? वही अगली लाइन इन्होंने लिखी हुई है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स वी विल फाइंड दैट द फ्लोर वेरी बीइंग टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, ठीक है? नेक्स्ट, वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी थ्रू इट्स टेम्परेचर। हम कैसे पता चलते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेम्परेचर, तापमान। हम लोग पता लगाते हैं जी, आज मुनक का तापमान इतना है, दिल्ली का तापमान इतना है, ठीक है, चेन्नई का इतना है, वेस्ट बंगाल का इतना है, ठीक है, हम लोग पता करते हैं बेटा उस टेम्परेचर का। उसके बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। सो बेसिकली, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नॉन एज ए टेम्परेचर, कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है कौन बताता है? उसका टेम्परेचर, तापमान बताता है। द मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हॉटर इज इट इज, ऑफकोर्स वो तो है ही, अगर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑफकोर्स वो गर्म होगी और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो ठंडी होगी, राइट? नेक्स्ट, विद योर हीट एज एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी के फॉर्म में भी इसको हम नाम देते हैं। कैसे? वी नो फ्रॉम अवर डेली एक्सपीरियंस दैट ए बॉटल ऑफ आइस कोल्ड मिल्क लेफ्ट ऑन ए टेबल ऑन ए हॉट समर डे सून वार्म्स अप। सिंपल सी बात है, आपको मैं बताता हूँ, गर्मियों के दिनों में बेटा जब भी हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर से पानी की बॉटल निकाल के रखते हैं या एक बॉटल के अंदर हम लोग ठंडा पानी भर के रखते हैं, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर, ठीक है, धीरे 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 वो ठंडा पानी क्या होना शुरू हो जाएगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि बिल्कुल चिल्ड ठंडा आपका दूध है, ठीक है, आइस कोल्ड मिल्क, यहाँ पे इन्होंने टर्म लिखी हुई है कि वो ऐसा दूध है आपका, उसको आप थोड़ी देर के लिए रखो एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर से निकाल के, तो वो नॉर्मली अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा जितना आपके रूम का टेम्परेचर है धीरे धीरे, राइट? एज ए ग्लास टम्बलर ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क, सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ अभी मैं, एक ग्लास टम्बलर ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क केप्ट ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन आफ्टर ए वाइल। ऑफकोर्स चाय, गर्म चाय का कप है वो धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी जैसे रेफ्रिजरेटर में होती है, लेकिन जैसा हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, रूम का टेम्परेचर होगा, उतना उसका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है? ये गिलास दूध गर्म रखो या गर्म पानी रखो, ऑफकोर्स धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। इट शोज दैट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ बेटा मैं, इट शोज दैट वन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग आर द डिफरेंट, देर इज एन ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ऑफकोर्स वेन एवर, क्या कह रहा है यहाँ पे, कि बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो ट्रांसफरेबल है। ऑफकोर्स एनर्जी जो होती है बेटा वो ट्रांसफरेबल होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसा बॉडी की एनर्जी होगी वैसा उसका टेम्परेचर होगा, वो धीरे धीरे किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? उसके सराउंडिंग के, उसके एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? दिस ट्रांसफर कंटिन्यूज टिल द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग अटेन द सेम टेम्परेचर। इन द केस ऑफ आइस कोल्ड मिल्क बॉटल हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग टू द बॉटल। क्या होगा कि धीरे धीरे बेटा, कि अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हो आइस कोल्ड मिल्क की, मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल ठंडा दूध है, चिल्ड दूध है, वो धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, मतलब जो उसका
टेम्परेचर है, ठीक है, उसके साथ जो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो मिक्सअप हो जाएगा, वो जो सराउंडिंग की हीट है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, जैसे रूम का टेम्परेचर है, ठीक है। वैसे अगर हम एक गर्म चाय का कप लेते हैं या एक गर्म दूध का गिलास लेते हैं, वो धीरे धीरे उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वहाँ से वो किस में चली जाएगी, सराउंडिंग में, सराउंडिंग आसपास का जो टेम्परेचर है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि जो हीट है वो ट्रांसफरेबल है बॉडी से सराउंडिंग या सराउंडिंग से बॉडी, राइट। समझने की कोशिश करनी है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है बेटा इस पॉइंट को तुम्हें समझाने के लिए, अगर फिर भी समझ नहीं लगी है देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट, बेस्ड सच एक्सपीरियंस वी से दैट, फर्स्ट पॉइंट, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी दैट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। ओके यस, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफरेबल है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और ये कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एग्जिस्टेंस, टेम्परेचर एग्जिस्टेंस, जैसा टेम्परेचर है एक बॉडी का वो सराउंडिंग में चेंज हो जाएगा, मतलब जो सराउंडिंग की हीट है वो बॉडी में चली जाएगी, अगर बॉडी ठंडी है, अगर बॉडी गर्म है तो वो हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, सराउंडिंग में, गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू दैट ए लो टेम्परेचर, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर होगी, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी विच शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आओ आप जानते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि कैसे एक फॉर्म ऑफ जो हीट ऑफ एनर्जी होता है वो दूसरे में कन्वर्ट होता है। टू शो दैट वी कैन गेट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट। अब कैसे ये हो रहा है, एक वेसल लेना है, अब घर के अंदर भी बेटा हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, आपको मैं ऑब्जर्वेशन करना बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ जो हीट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो रही है। हाउ, क्या कह रहा है कि बर्तन लो खाली, जैसे मान लो घर के अंदर हमने उन्हें कोई फ्राई पैन ले लिया या कोई और बड़ा बर्तन ले लिया, उसके अंदर पानी रख दो बॉयल करने के लिए, और उसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन रख दो जो बिल्कुल लाइट इन वेट है, ऐसी प्लेट रख दो जो बिल्कुल लाइट इन वेट है, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा, टेम्परेचर एक्साइटेड स्टेट पे आएगा, बढ़ेगा अपनी नॉर्मल से, तो हम क्या देखेंगे कि जो उसके ऊपर रखा हुआ आपका ढक्कन है, ठीक है, आपका जो कवर कर रहा हुआ जिसके साथ अपने उस अपने उस बर्तन को, वो डगमगाना शुरू होगा, वो शेक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हीट की वजह से बेटा बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जिसकी वजह से वो उस ढक्कन को उठाने की कोशिश करेगा ऊपर को, ठीक है, ये चीज़ है। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, प्रेशर कुकर होता है ना बेटा हमारा, तो वो भी इसी के बेसिस के ऊपर काम करता है, उसकी जैसी अंदर स्टीम, अंदर एनर्जी, अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है वो एकदम से उठ जाती है, वो बिसल करना शुरू कर देती है, ऐसा होता है ना, तो दिस इज़ द थिंग। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि टेक ए वेसल हाफ फिल्ड विद वाटर, कवर इट विद ए लाइट एल्यूमिनियम लिड एंड हीट ओवर ए फ्लेम, वी विल सी दैट द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग आफ्टर ए वाइल। ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूँ तुम्हें, पर लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है वो चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। द लिड देन राइजिज अप एंड फॉल्स डाउन अगेन एंड अगेन, हियर द स्टीम फॉर्म्ड बाय द हीटेड वाटर कुड रेज द लिड हीट, सॉरी इट देयर फोर डज मैकेनिकल वर्क, दिस शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी यूज टू डू ए मैकेनिकल वर्क, कि क्या करा जा रहा है, आपने देखा होगा कि वो डगमगाएगा, वो हिलेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, एक मूवमेंट क्रिएट करेगी, वो जो हीट है, वो जो एक एनर्जी है, वो एक मूवमेंट क्रिएट करेगी, वो जो ढक्कन है आपको मैंने ऑलरेडी बोला था वो शेक करना शुरू करेगा, हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, और अगर वो बिल्कुल ही लाइट हुआ तो एकदम से उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़,
तो यहाँ से ये चीज़ पता चली, आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में बेटा जो हमारे रेलगाड़ियों के इंजन होते थे वो स्टीम बेस्ड काम करते थे। पहले सॉरी पहले डीजल या इलेक्ट्रिसिटी के साथ गाड़ियाँ नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, पहले बेटा स्टीम इंजन चलते थे। अगर आज भी आप हिली एरियाज़ में जाओ फॉरेन के अंदर या आपके हिमाचल के अंदर, तो वहाँ पे एक स्टीम इंजन चलते हैं बेटा, ठीक है, कुछ कुछ रेलगाड़ियों के साथ, सभी गाड़ियों के साथ नहीं, लेकिन आज मैक्सिमम बेटा इलेक्ट्रिसिटी और डीजल इंजन चलते हैं, ठीक है। लेकिन स्टीम इस तरीके से बना के फिर बेटा वो स्टीम इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करती थी कि उसकी वजह से किस में मूवमेंट लाई जाती थी, ट्रेन के पहियों के अंदर, व्हील्स के अंदर, और वो ट्रेन मूव करती थी। अब जिस स्पीड के साथ ये चलती है ना, उस स्पीड के साथ तो नहीं ट्रेन चलेगी, वो लेकिन विद इन ए स्लो मोशन वो मूव करेगी, ठीक है। यस, नेक्स्ट, डू यू नो इन अर्ली डेज हीट वॉज कंसिडर्ड एज ए फ्लूड लिक्विड दैट फॉलोड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी। दिस वेटलेस एंड कलरलेस फ्लूड वॉज कॉल्ड द कैलोरीफिक एंड दिस थ्योरी वॉज शोन टू बी इनकोरेक्ट बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिसिस्ट लाइक डेवी काउंट रूमर जॉल हु शोड दैट कि हीट जस्ट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बेटा यहाँ से पढ़ने समझने वाली कोई बात नहीं, यहाँ से सिर्फ ये है कि पुराने टाइम में हीट को एक लिक्विड को सॉरी हीट को एक लिक्विड समझा जाता था, ठीक है, जैसे वाटर को आज लिक्विड समझते हैं ना, तो वैसे उसको एक हीट को लिक्विड समझा जाता था और उसको एक नाम दिया जाता था, दैट इज़ अ कैलोरीफिक। और इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा, इसको कवर करा। अब ये सब उनके नाम लिखे हुए बेटा यहाँ पे, डेवी काउंट रदरफोर्ड जॉल ब्ला ब्ला वट एवर जो नाम दे रखे, ठीक है, ये अभी हमारे लेवल के नहीं है, हमें काम के नहीं है। इन द हायर क्लासेस वी विल रीड अबाउट दीज वन साइंटिस्ट एंड दे आर ऑल्सो अबाउट देयर वर्क। नेक्स्ट, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर की हम बात करें, वी ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट ए बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज। हमें पता है कि जब भी एक बॉडी को हीट करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। दिस इंडिकेट्स दैट हीट इज एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। हीट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी दैट इज ड्यू टू द मोशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड इज द एनर्जस्ट इंडिकेटर ऑफ दिस एनर्जी। कह रहे हैं हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब हीट एंड टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बट अब बेसिकली हीट होती क्या है, हीट क्या होती है कि जो भी बेटा हमारे सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं, जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स को मिलकर बनी है, वैसे जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमारा वाटर सॉइल जितने भी ये फॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, दे आर द मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो हीट होती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, के बीच में एक एक्साइटेड स्टेट आती है जिसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर राइज करता है। तो टेम्परेचर के एक इंडिकेटर है कि जब भी मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, मोशन शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। तो टेम्परेचर एक इंडिकेटर है, और जो हमारी हीट है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी एक एनर्जी कहलाती है, जो किस में क्रिएट होती है और किसकी वजह से होती है, जो भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जब मोशन आता है, मूवमेंट आती है, राइट। नेक्स्ट, इवन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट पोजेस हीट एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। व्हेन वी ऐड हीट फ्रॉम ए बॉडी मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स फास्टर और स्लोअर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हर एक सब्सटेंस जब तक अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें, एक कमरे के अंदर तुम लोगों को बंद कर दिया गया, ठीक है, कमरा पूरी तरीके से बाहर से लॉक्ड है, ठीक है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कमरे के अंदर आग लगा दी जाती है, आप लोग 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 50 हुए, आप पूरे कमरे में भागोगे इधर से उधर, जब तक वो कमरा खुलता नहीं है तुम्हें चैन तो नहीं आएगा, तुम एक्साइटेड रहोगे कि कहाँ से निकलें, रोगे बिलखोगे इधर उधर भागोगे, होगा। अगर मान लो उस टेम्परेचर को बिल्कुल चिल्ड कर दिया जाता है, आग की बजाय वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ फेंक दी जाती है और टेम्परेचर बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तब भी क्या होगा, तब भी तुम लोग ठिठरोगे ठंड के साथ, तुम नॉर्मल स्टेट में तो नहीं रहोगे।
तो यही कंडीशन बेटा यहाँ पे लगाई जा रही है कि जब भी बेटा आपका कोई भी सब्सटेंस बिल्कुल लो टेम्परेचर पे है तब भी वो उसके अंदर मोशन हो रहा होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर, और जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है, बहुत ज़्यादा हीट उसको मिलते तब भी वो मोशन में होते हैं उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हीट की जो फॉर्म है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है वहां पे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अभी हम लोग बेटा। यस, इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हीट की हम बात करें कि हीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस लाए जाते हैं हीट के कारण। When a body is heated, various types of the physical and the chemical changes are observed to take place. We list below the some of the main effects of the heat. अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि जब भी क्या करा जाता है, एक बॉडी को हीटेड करा जाता है तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा है, लोहे को जब हीट दी जाती है, गर्म करा जाता है, पिघल जाता है, फिजिकल स्टेट चेंज होगी उसकी, साथ साथ में उसकी केमिकल चेंज भी हो जाता है। बिकॉज पहले तो वो रेडिश कलर होता है लेकिन बाद में वो कैसा बन जाता है, बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। पहले तो सॉरी वो ब्लैक होता है, मैं पहले वर्ड यूज़ करा गया ब्लैक रेड मेरे से, बट जब तक हम लोहे को हीट नहीं कर रहे होते हैं इट इज़ लाइक आपका हम कह सकते हैं उसको वो ब्लैक इन कलर रहता है ना, लेकिन जैसे हम उसको हीट करते हैं वो रेड हॉट हो जाता है, राइट। सो चलो ये तो छोटा एक एग्जांपल था, पढ़ते हैं आपके कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं फिजिकल और केमिकल जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं। सो फर्स्ट चेंज आ रहा है चेंज इन द टेम्परेचर, ये तो पता ही है मेरे भाइयों कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है, मतलब जब भी चेंज इन टेम्परेचर होगा ही होगा जब भी किसी चीज़ को हीट अप करोगे। वी आर नो दैट एडिशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द हीट टू आवर बॉडी ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। एडिशन ऑफ द हीट टू बॉडी यूजली रेजेस द टेम्परेचर, वेयर इज द रिमूवल ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी यूजली लोअर्स द टेम्परेचर। मुझे इस पैराग्राफ को तुम्हें ज़्यादा से ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू कैन ईजली अंडरस्टैंड दीज लाइन्स। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चल रहा हूँ मैं, चेंज ऑफ टेस्ट सॉरी चेंज ऑफ स्टेट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एडिशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द हीट टू और फ्रॉम ए बॉडी कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन स्टेट। ऑफ कोर्स कि जब भी हीट प्रोवाइड करी जाएगी किसी एक सब्सटेंस को उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। लोहा पहले सॉलिड होता है, वो पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे वो गैस बन जाएगा, ऐसा ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल On putting a tray of water liquid form in the freezer compartment of a refrigerator, the water freezes to form ice. कि क्या होता है कि जब भी बेटा एक पानी की ट्रे है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे ट्रे मिल जाते हैं, और भी मान लो यार एक बार नहीं क्या कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर रख रहे हैं, गिलास के अंदर रख दिया, कटोरी के अंदर रख दिया, किसी ट्रे के अंदर रख दिया, ऑफकोर्स वो जम जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है, क्योंकि उसको जो हीट है वो कम कर दी गई है, उसकी स्टेट में चेंज आ गया, लिक्विड से किस में बदल गया सॉलिड में बदल गया। वैसे ही दूसरा अगर उसको वाटर को तुम लोग हीट करना शुरू करो तो वो गैसी चेंज में होना शुरू हो जाएगा, यही होता है। सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर ए फ्लेम, वही बेटा आगे बात लिखी हुई है कि वो लास्ट लाइन तक इस चेंज ऑफ स्टेट के पैराग्राफ की कि बाद में वो लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो स्टीम की फॉर्म में आ जाते हैं। Then the third, thermal expansion. Most of solids, liquid and gases are known to expand on heating. This phenomenon is called thermal expansion. कि जब भी बेटा किसी सॉलिड को, किसी लिक्विड को, किसी गैस को हीट प्रोवाइड करी जाएगी तो बेटा हमेशा वो एक्सपेंड करता है, हमेशा वो फैलता है, कैसे, और सॉरी इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कैसे ये होता है। फॉर एग्जाम्पल The metal rim to be put on a cart wheel is designed to have a slightly smaller diameter than that of the wheel. When this rim is heated, it becomes red hot, expand and slip on the wheel easily. When it is cooled, it contracts and grips the wheel firmly. यहाँ पे एक बात करी जा रही है कि जब भी एक आपका टायर चढ़ाना होता है बेटा एक चक्के के ऊपर, ठीक है, रिम के ऊपर, तो रिम होता है बेसिकली जैसे बेटा आप लोग साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी बेटा कि जो टायर होता है टायर के बीच में क्या होता है, एक रिम होता है, या तो वो सिल्वर इन कलर होता है शाइनी या ब्लैक इन कलर होता है। अगर हम लोग छोटे छोटे बच्चों की साइकिल्स की बात करें तो वो रेड, पिंक, ब्लैक, वाइट, ठीक है, उस तरीके का होता है अंदर का पार्ट जिसके ऊपर टायर चढ़ाया गया होता है, तो उसको हम पार्ट को क्या नाम देते हैं, रिम। तो कह रहा है कि जब भी
अब बेसिकली प्लास्टिक की चीज़ है तो बेटा उसका तो डिज़ाइन उसी तरीके से बनाया जाएगा, अगर वो लोहे का तो उसको उसी तरीके से डिज़ाइन करा जाएगा। तो यहाँ पे जो बात करी गई है वो लोहे वाले रिम की करी गई है, ठीक है। तो वो कहते हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि पहले उसको हीट करा जाता है, हीट करने के बाद जिसके कारण वो एक्सपैंड होता है ना। आपने देखा होगा अगर लोहे को जब हम लोग मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसको बीटअप करते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता है, सुनार होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो गहने बनाता है वो भी इसी तरीके से बनाता है वो, ठीक है। अब जैसे मान लो और हम लोग देख सकते हैं जैसे कोई भी, जैसे मान लो बेटा बॉटल्स बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनाई जाते हैं, तो आपको पता है बहुत छोटा सा पार्ट होता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कोक की या डिफरेंट जो भी हमारी प्लास्टिक बॉटल्स मार्केट में हमें अवेलेबल होती हैं, तो वो बेटा उनको ना 1 या 2 इंच की प्लास्टिक होती है, उसी से इतनी बड़ी बॉटल बना दी जाती है, इतने इतने बड़े बर्तन बना दिए जाते हैं। तो वो कैसे सारा हो रहा है? बिकॉज हमें पता है कि कोई भी चीज़ को जब हीट प्रोवाइड करी जाती है तो वो फैलती है, क्या करती है वो फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस। मैनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप। फॉर एग्जांपल, वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग द पोटाशियम क्लोरेट। अब वो कह रहा है कि केमिकल चेंजेस भी होते हैं ऑफ कोर्स बेटा, जब हम लोग देखते हैं। अब एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ, चाय बनानी है, ठीक है, गैस स्टोव को ऑन ही ना करो, चाय पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, पानी डाल दो और इंग्रेडिएंट्स जो तुम्हें ऐड करने हैं वो डाल दो, दूध डाल दो, गैस को ऑन ही ना करो, तो क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। कोई केमिकल चेंज आएगा? दूध दूध वैसे का वैसा रहेगा, चाय पत्ती वैसी रहेगी, चीनी वैसे पड़ी रहेगी, अदरक वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने, तो इतना बड़ा डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि लैब्स के अंदर जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई न्यू थिंग्स डेवलप करी जाती है, तो उसको हीट प्रोवाइड करके ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट वीडियो, डू यू नो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आइस एंड कास्ट आयरन आर द टू आर द फ्यू सॉलिड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एक्स टू एक्सपेंड ऑन कूलिंग। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई वाटर पाइप समटाइम्स ब्रस्ट एट वेरी कोल्ड प्लेसिस एंड द सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास बॉटल्स ऑफन क्रैक्स वेन लेफ्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट इज ऑल्सो लिंक विद द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक बात आपको मैं और बताता हूँ बेटा, कि ना हर एक सब्सटांस का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है एक्सपैंड होने का। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल ले रहा है आपके वाटर की, वो कहते हैं कि जो वाटर होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है। तो अगर हम लोग बात करें ना कोल्डर रीजन्स की, कोल्डर एरियाज़ की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो अब जैसे पानी की पाइप्स बेटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी की तरफ से भेजी जा रही हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ब्रस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पानी जैसे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, कोल्डिंग टेम्परेचर है, ये कोल्ड टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर में होगा जो वाटर होता है वो एक्सपैंड होता है, जिसके कारण जो हमारी वाटर पाइप्स होती हैं, ठीक है, पानी वाली पाइप्स होती हैं वो फट जाती हैं, ब्रस्ट अप कर जाती हैं। या कई बार हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई प्लास्टिक की बॉटल रखते हैं तो उसमें हल्के हल्के क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज 4 डिग्री टेम्परेचर अराउंड अस रहता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है वाटर एक्सपैंड करता है और वो बॉटल फट जाती है। वही वो कह रहा है, हम लोग इस केस को वहां पे भी लेके चल सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के साथ। क्या कह रहा है वो, कि इसको हम लोग उनकी सर्वाइवेबिलिटी के साथ भी लिंक करके चल सकते हैं, कि एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार अगर टेम्परेचर बिलो चला जाए 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो कई सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो सकती है, ठीक है। ये अब हम धीरे धीरे बाकी जो हमारी हायर क्लासेस आ रही हैं उनके अंदर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। बाकी बेटर डू यू नो में इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है यहाँ पे। बाकी जो इफेक्ट्स ऑफ हीट क्या है, हीट को क्यों एनर्जी कहा जा रहा है, टेम्परेचर कैसे इंडिकेटर है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, इट जस्ट एज एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, एक ओवरव्यू की तरह था, इसमें ज़्यादा मैं करने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइटर के साथ बेटा यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो कि प्लीज हाईलाइट दीज लाइन्स, राइट, फॉर योर फ्यूचर, ओके। सो इस वीडियो लेक्चर में बेटा आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।